नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राइट स्टेप में, मतलब कि सही कदम। सही कदम का मतलब क्या होता है? दुनिया में किसी भी काम को करने के बाद भविष्य में हमें पछतावा ना हो, या हो भी तो हम जो हैं अपनी जिंदगी को जी रहे हों, उसे हम सही कदम कहते हैं। ठीक है, दुनिया में दो प्रकार से पैसा कमाया जाता है। एक है लीगल इनकम, यानी कि कानूनी रूप से, दूसरा है अनलीगल या इलीगल इनकम, मतलब कि गैर कानूनी इनकम। आखिर लीगल इनकम हम कहते किसे हैं? लीगल इनकम जो होता है कि जो सरकार के दायरे में रहकर ये पैसा कमाता है, और वह अपने काम से एक रुपया ही क्यों ना कमाए लेकिन उससे वो संतुष्ट रहता है, तो उसे हम लीगल इनकम कहते हैं। एग्जाम्पल कि अगर कोई कर्मचारी अपने काम को कर रहा है और उसे 10,000 रुपया ही मिल रहा है और उससे वह संतुष्ट है, तो उसे हम लीगल इनकम कहते हैं। दूसरा इलीगल इनकम, जो सरकार के दायरे में ना रहकर पैसा कमाता है, उसे हम इलीगल इनकम कहते हैं, यानी गैर कानूनी इनकम। तो आखिर ये क्या है? तो बहुत लोग होते हैं जो कि गैर कानूनी रूप से पैसा कमाते हैं। एक है ड्रग्स बेचना, चरस, गांजा, किडनैपिंग, साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो कि गैर कानूनी इनकम में आता है। तो आप लोग जो हैं, आप सही तरीक़ा से पैसा कमाना चाहते हैं, तो सही तरीक़ा से भी आदमी जो है पैसा कमाने के लिए चार तरह से कमा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉलम बाय कॉलम समझेंगे कि आखिर कैसे कमाया जाता है चार प्रकार से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉय, मतलब नौकरी, इसे आप कर्मचारी भी कह सकते हैं। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि स्वयं रोजगार। तीसरा है इन्वेस्टर, मतलब कि पूंजीपति, आप पैसा से पैसा कमाना होता है। और चौथा जो है वो है आपका बिजनेस। ठीक है, अब हम समझते हैं एम्प्लॉय, आखिर एम्प्लॉय होता क्या है। तो एम्प्लॉय के लिए हम लोग जानते हैं कि अपने हुनर, टैलेंट और समय को बेचकर जो दूसरे के अंडर में पैसा कमाता है, उसे हम नौकरी या एम्प्लॉय कहते हैं। सही रूप से जाना जाए तो इंडिया में नौकरी का जन्म 1600 ईस्वी में हुआ था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी नामक इंडस्ट्री से हुआ था, और इसे लाने वाला और कोई नहीं, रानी एलिजाबेथ थी इंडिया में। ठीक है, और जो पहले हम लोग बहुत गर्व से बोलते हैं कि आखिर नौकरी जो है कि हम लोग नौकरी ही करते हैं, ठीक है, इसी नौकरी शब्द को पहले जो है नौकर शब्द दिया जाता था, यानी कि सर्वेंट, और अभी इसे चेंज करके बड़ा गर्व से बोलते हैं कि हम सर्विस करते हैं, यानी नौकरी का अब नाम क्या दे दिया गया, सर्विस, जिसके वजह से हर लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे पास सर्विस है, हम सर्विस करते हैं, और बड़ा गर्व महसूस करते हैं वो लोग। ठीक है, तो देखिए, लेकिन ये जो गर्व की बात है ना, इसे पाने के लिए भी आपको, आपके पास तीन चीज़ होनी चाहिए, तब जाके आप नौकरी को पा सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है आपके पास रिलेशन, यानी रिश्तेदार होने चाहिए। दूसरा डोनेशन, यानी कि आपके पास घूस होना चाहिए। तीसरा एजुकेशन, मतलब आपके पास शिक्षा भी हाई लेवल की होनी चाहिए। हाई लेवल की आपके पास शिक्षा है, डोनेशन है और रिलेशन है, तो आप जो है नौकरी के लिए एलिजिबल हो, यानी कि आप इसके लिए सक्षम हो, आप नौकरी आपके लिए बनी हुई है। ठीक है, अब है आपका दूसरा, या मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, स्वयं रोजगार। क्या होता है हम लोग देखते हैं, अपने हुनर टैलेंट को अपने ही ऊपर मल्टीप्लाई करके जो पैसा कमाते हैं, उसे हम सेल्फ एम्प्लॉय यानी स्वयं रोजगार कहते हैं। और इस फील्ड में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, लॉयर, इंजीनियर,
इलेक्ट्रिशियन, जो भी अपने से खुद काम करता है, ये किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, ये खुद में काम करते हैं, और प्लस में या इनकी जो मर्जी है खुद रहती है कि हम खुद करेंगे और खुद पैसे कमाएंगे, तो उसे हम स्वयं रोजगार कहते हैं। अगर एक टीचर अगर ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं जाएगा तो उसे इनकम नहीं मिलेगा। एक दुकानदार अगर अपना दुकान की शटर को नहीं खोलेगा तो उसे पैसा नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरीका से अगर एक डॉक्टर इसका इलाज नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। अब हम लोग तीसरा समझते हैं इन्वेस्टर। अपने मूल पूंजी को एक बार लगाकर उस पूंजी से आप बार बार पैसा कमाते हैं, उसे हम इन्वेस्टर यानी पूंजीपति कहते हैं। जैसे बिल्डर, रेंटर और इंजीनियर। बिल्डर एक बार अपना जो है एक बार बिल्डिंग को बना दिया, उससे बहुत बेनिफिट पैसा कमाता है। ठीक है, यही है कि इसमें आप एक बार पैसा लगाते हो तो आपको बार बार पैसा मिलता है लॉन्ग टाइम। अब हम समझते हैं बिजनेस। बिजनेस क्या है? बिजनेस जो है अपने मूल्य पूंजी को लगाकर वस्तुओं का क्रय विक्रय करके लाभ हानि की गणना स्वयं करना पड़ता है, उसे हम बिजनेस यानी व्यापार कहते हैं। इस फील्ड में आपका क्या है कि देखिए, आपका कोई भी काम फील्ड में तीन चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, 20% उदाहरण एग्जाम्पल रहता है, 20% गुरु यानी टीचर और कोच का रहता है, और आपका खुद का यानी कि 60% जो है वो आप खुद देते हो। ठीक है, बिजनेस करने के लिए 5 चीजें कंपलसरी जरूरी होता है। पहला है प्लेस यानी जगह, दूसरा नॉलेज यानी जानकारी, तीसरा टाइम यानी समय, चौथा मनी यानी पैसा, और पांचवा रिस्क यानी जोखिम। मतलब कि आपके पास जगह, जानकारी, समय, पैसा, जोखिम, ये 5 चीज अगर आप उठा लेते हो तो आप बिजनेस करने के लिए सक्षम हैं। और आपको बहुत अच्छा तरीका से पता होगा कि बिजनेस भी जो है ना वो एक तरीका से नहीं होता है, कई प्रकार से बिजनेस होते हैं, लेकिन हम लोग 4 प्रकार से लेके चलते हैं बिजनेस को। तो चलिए जानते हैं। पहला फैक्ट्री, दूसरा फ्रेंचाइजी, तीसरा इमेज मॉडल, चौथा डायरेक्ट सेलिंग। अब फैक्ट्री क्या है? किसी भी कच्चे पदार्थ को पक्के पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है तथा उसके आकार बदला जाता है, उसे हम फैक्ट्री यानी कारखाना कहते हैं। जैसे लोहा, चीनी, ये सारे चीजें फैक्ट्री में होता है। इसमें भी आपको क्या है कि पैसा, टाइम, टैलेंट, रिस्क और जगह की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरा फ्रेंचाइजी, किसी भी बड़ी इंडस्ट्री या कंपनी का छोटा छोटा ब्रांच ही फ्रेंचाइजी कहलाता है। ठीक है, आपका हो गया होंडा शोरूम, डीएवी पब्लिक स्कूल, और भी बहुत सारे ऐसा है जो कि आपको देखने के लिए मिलता है। इमेज मॉडल क्या है? किसी वस्तु का एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार में आता है और उसमें व्यक्ति का फेस वैल्यू का कीमत होता है, उसे हम इमेज मॉडल कहते हैं। जैसे आपको पता है सलमान खान, एमएस धोनी, ऋतिक रोशन और फिर कैटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, इन लोग का क्या है कि एक फेस वैल्यू है जो कि इससे वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट से जो इन्हें पैसा मिलता है तो इनका एक फेस वैल्यू बना है जिससे ये पैसा कमाते हैं इमेज मॉडल में। लेकिन क्या हम लोग कर सकते हैं? नहीं। तो अब है इसी जगह पे आपका चौथा यानी कि मेन टॉपिक, जहां जिस सिद्धांत पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, वो है आपका डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, उसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। यानी कोई भी सामान मैन्युफैक्चर में बना और डायरेक्टली
कोई भी उसके बीच में ना रहे और डायरेक्ट कस्टमर तक वो सामान पहुंचाया जाता हो, उसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1939 से 1940 के बीच में अमेरिका के एक जगह कैलिफोर्निया नामक जगह पर शुरुआत हुआ था, और जो है इसे भारत में इस इंडस्ट्री को 2003 में शुरुआत किया गया था, वो भी चेतन हांडा के द्वारा। ठीक है, तो इसे शुरुआत करते टाइम चेतन हांडा सर ने ग्लोबल कोलैबोरेटर्स नाम रखा था, उसके बाद चेंज करके ग्लिस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो इसका नाम अभी है लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब आगे हम जानते हैं मनी साइकिल यानी कि पूंजी चक्र क्या होता है। देखिए मेरे दोस्त, पूंजी चक्र जो है ना, इसमें हर कोई ट्रैप्ड है, चाहे हर कोई फंसा हुआ है, चाहे आप हो, हम हो या फिर और भी कोई हो। ठीक है, वो कैसे, वो आपको मनी सर्कल में पता चलेगा। सबसे पहले एक फैक्ट्री में काम करने के लिए कौन जाता है, एम्प्लॉय, कर्मचारी लोग। ठीक है, तो वो लोग जो है काम करते हैं, काम करने के बाद आते हैं, जो उन्हें पैसा मिलता है वो पैसा कहाँ पे रखते हैं, बैंक में। तो जब बैंक में वो पैसा रखते हैं तो बैंक वाले तो ऐसे तो रखते नहीं होंगे, तो बैंक वाले क्या करते हैं कि ये ज़्यादा इंटरेस्ट में बिजनेसमैन को दे देते हैं। तो बिजनेसमैन को दे देने के बाद बिजनेसमैन क्या करता है, जो हम लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उसी फैक्ट्री को 10-12 फैक्ट्री में ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं, यानी बना देते हैं। तब ये सारा पैसा जो है कहाँ लगा, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में कौन काम करता है, एम्प्लॉय को पैसा मिलता है तो कहाँ रखता है, बैंक में, और बैंक वाला जो है बिजनेसमैन को देता है, और बिजनेसमैन जो है इसी तरीका से या मैन्युफैक्चर कर करके बहुत सारा चीज़ बना लेता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स आपको ये भी मनी साइकिल समझ में आया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो बाहरी बाजार है जहाँ से आप लोग प्रोडक्ट खरीदते हो उसका प्रोसेस, और जहाँ हम लोग देते हैं प्रोडक्ट, जहाँ डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम लोग लिए हैं, वहाँ का प्रोडक्ट कैसे आखिर में पैसा बांटती है। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट प्लान यानी कि TMP, और DMP का मतलब होता है डायरेक्ट मार्केट प्लान। TMP पहले समझते हैं। देखिए, TMP में जो होता है वो एक मैन्युफैक्चर में 3 रुपया में कोई भी सामान बनता है, और फिर दूसरा जो है वो एडवर्टाइजमेंट में 1 रुपया खर्च करता है, स्टेट वाला 1 रुपया रख लेता है, और उसी में सेल टीम भी रहता है जो कि 1 रुपया उसके पास रहता है, और डिस्ट्रिक्ट आते आते 1 रुपया वहाँ पे खर्च करता है, सिटी में फिर आया तो वहाँ पे खर्च करता है 1 रुपया, उसके बाद होलसेलर के बाद आता है रिटेलर के पास, और कस्टमर के पास तब जाता है। तो आपको पता है कि ऐसे लगभग 3 से 4 प्रोसेस होता है तब जाके कस्टमर के पास आता है, और जहाँ 3 रुपया में बना हुआ एक प्रोडक्ट रहता है वो कस्टमर के पास आते आते 10 रुपया हो जाता है। जिससे सोचिए कि क्या इसने आपको कोई भी बेनिफिट लगा, नहीं लगा। लेकिन इसका उल्टा जस्ट DMP है यानी कि डायरेक्ट मार्केट प्लान, यानी कि जो हमारा कंपनी है, जो डायरेक्ट सेलिंग का कंपनी है, वो क्या करती है कि वो कहती है कि हम इसको चेंज करके अब हम लोग खुद का बनाएंगे। तो ये लोग क्या करती है कि मैन्युफैक्चर में 3 रुपये में ये भी बनाता है, लेकिन हम लोग का जो लेवल वाइज रहता है, पहले GDD के पास, फिर LDD के पास, फिर जाता है RD के पास, तब फिर SD के पास, और फिर ED के पास, तब फिर जाके आपका आता है PD के पास, तब फिर CD के पास आपका पैसा आता है। यानी कि ये जो पैसा है वो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है और उसी में पैसा आपका बटता है, यानी कि हर कोई यहाँ पैसा कमा सकता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या कस्टमर कभी पैसा कमा सकता है, नहीं। इसीलिए इसको बोला गया है कष्ट से मर। ठीक है,
बिजनेस, इसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए। विलंब होगा, जा से जमे रहना है, ने से नेगेटिव नहीं सोचना है, सा से सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप ये जो बिजनेस का फुल फॉर्म समझ गए हैं तो आप लोग कभी भी बिजनेस से नहीं हटोगे, ठीक है, और आप हमेशा सफल ही होगे। अब हम जानते हैं कि एक नौकरी और एक बिजनेस में क्या अंतर होता है। नौकरी करने वाले की जिंदगी 4 दिन की चांदनी होती है, जबकि बिजनेस करने वाला अपना जिंदगी को आजाद पंछी की तरह जीता है। दूसरा, नौकरी करने वाला इंसान हार्ड वर्क करता है, जबकि बिजनेस करने वाला स्मार्ट वर्क करता है। तीसरा, यह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने समय को बेचता है दूसरे के अंडर में, जबकि बिजनेस यह अपनी समय को मल्टीप्लाई करके पैसा कमाता है। चौथा, नौकरी करने वाला अपनी जिंदगी को काटता है, और जबकि बिजनेस करने वाला अपनी जिंदगी को हर चाहतों को पूरा करता है। पांचवा, नौकरी में सीमित पैसा होता है, जबकि बिजनेस में अनलिमिटेड पैसा होता है। तो मेरे दोस्त, यहाँ तक आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर एक वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट स्टेप वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो चूज़ करें, और राइट वाला में आपको मिल जाएगा SVP क्लास, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।